हेलो कृपाली जी, वेलकम ऑन माय हेलो। कैसे हो आप? जितने अच्छे हो सकते हैं लॉकडाउन में उतने अच्छे हैं। ग्रेट। तो किस तरह से फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं आप इस लॉकडाउन में? गिविंग टाइम टू योर फैमिली, हाउ इट्स गोइंग? हाँ, अच्छा ही जा रहा है। मतलब एक साथ हैं हम सब लोग, थैंकफुली। मेरे पेरेंट्स भी यहीं पर हैं, उन लोग भी आ गए थे टाइमली यहाँ पर वापस, तो वो लोग भी हैं साथ में, तो सब लोग इकट्ठा हैं, तो थोड़ा कम फील हो रहा है लॉकडाउन का असर। पूरा रूटीन अगर बात करें आप दोनों की रूटीन की, तो किस तरह से घर के कामों से लेकर बच्चे को संभालने तक क्या कुछ ड्यूटी कैसे बांटी है, किस तरह से रह रहे सभी रूटीन अगर की बात करें? बताएंगी तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग का सेम ही है, हम हमेशा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमेशा सब लोग साथ ही रहते हैं। कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि लॉकडाउन हुआ है तो कुछ स्पेशल हो गया है, सब कुछ जैसे ही जैसे पहले से था वैसे ही है। सब लोग का बस ये हो गया कि सब लोग काम करने जाते हैं, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो भी करते हैं, और जैसे हम शूटिंग पे जाते हैं तो हम भी नहीं जा रहे, हम घर पर हैं। और पहले भी कबीर के साथ ही मेरा पूरा दिन जाता था, तो अभी भी जाता है। तो यश के लिए मैंने ड्यूटी कर दी है कि उसको सुलाने का काम यश का ही है, तो वो रात को और दोपहर को जब भी सोना होता है कबीर को, तो मैं हमेशा यश को बोलती हूँ अब नाउ योर टाइम। तो और सारे काम मैं कर लेती हूँ, सिर्फ दो ही काम है कि आफ्टरनून में उसको सुलाना है और रात को सुलाना है, तो बस ये काम हम दोनों ने बांट लिया है और तो सब कुछ सेम है। नहीं, एक्चुअली मैं बांटना नहीं कह सकते हैं, मैं एक्चुअली कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। आम्रपाली जिस तरीके से कबीर को देख रही है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये लॉकडाउन है एक्चुअली, क्योंकि इतना स्मूथली सब कुछ जा रहा है। वो सिर्फ मेरे पास सोने के लिए रात को आता है, जब मैं उसे 3 स्टोरी सुनाता हूँ गिन करके, एंड तो बस यही मेरी ड्यूटी है। तो थैंकफुली शी इज देयर एंड शी इज सच अ गुड मदर कि वो मेरा काम बन जा रहा है। नहीं, लेकिन जी और आप, हमारा काम ऐसे बटा हुआ है कि बहुत सारी, जैसे अभी हमने ये अपना वीडियो बनाया है, तो उसमें जितनी सारी चीजें हैं, और सब लाइक एडिटिंग हो, चाहे उसका सेटअप करना हो या फिर कुछ प्रमोट करना हो, वो सारा काम यश कर लेते हैं। तो ये अपने आप ही बढ़ चुका है, बिकॉज ही इज फ्री, तो एटलीस्ट ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग। तो ये एक अच्छा हो गया है कि अगर मैं वहां पे कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली यश के पास उतना टाइम है कि वो कर सकता है। अगर वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता कबीर को देखने में, तो वो शायद इतना अच्छे से उसको नहीं कर पाता, विच इज वेरी गुड, बिकॉज इनके पास नए नए आइडिया आ रहे हैं। क्योंकि जब भी रोज मुझे कुछ दिखाते हैं तो मुझे लगता है अरे ये भी कर लिया, ऐसे कैसे हो गया, तो बोला ये भी कर लिया, तो मुझे लगता है अरे वाह, एटलीस्ट जो वो फ्री टाइम है यश उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। जीजा मदर्स की आपने बात की यश, और हमने जस्ट देखा सोशल मीडिया में भी आपने मदर्स डे पे इतनी अच्छी प्यारी सी लाइनें डाली थी, तो बताइए उसके बारे में कुछ, इतना अच्छा लिखते हैं आप। नहीं एक्चुअली मतलब लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो थोड़ा मेरे मन में, मेरे दिल में जो थॉट्स आ जाता है उसको हाँ लिखना ही हुआ तो लिख लेता हूँ बस। सीक्रेट ये है कि यश बहुत टाइम से लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जब पहली बार उन्होंने एक दो पोएम जो अपनी है वो क्या कहते हैं शेयर करी है लोगों के साथ में, अगर अदरवाइज बहुत टाइम, मतलब मुझे लगता है शायद अपने कॉलेज टाइम से वो लिख रहे हैं। तो मेरे पास, मैं कभी भी जब पुरानी कुछ कॉपियां उठाती हूँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्टोरी लिखी हुई होती है, या कुछ सीन्स लिखे हुए होते हैं, या कुछ पोएम्स लिखी होती हैं। तो अब ऐसा टाइम आया है जब यश उसको कुछ शेयर कर लेते हैं, अदरवाइज पहले नहीं करते थे, तो आई थिंक ये कंटिन्यू करना चाहिए, बड़ा अच्छा लिखते हैं ये। जी बिल्कुल। और आपके आने वाले टीजर के बारे में बात करना चाहेंगे, तेरी बिंदिया, तो किस तरह से बहुत प्यारा ही खूबसूरत रोमांटिक सा टीजर है, उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बहुत बताएं सॉन्ग के बारे में, अपकमिंग सॉन्ग। तो एक्चुअली हम लोग ये पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन में हैं सब लोग, और मैं पोएम्स लिख रहा था, मैं उसको अपने वीडियोस को एडिट करके एक प्रेजेंटेशन भी सबके साथ शेयर कर रहा था अपने पोएम्स के। तो मुझे ऐसे ही एक आइडिया आया कि मैं कोई म्यूजिक वीडियो करते हैं जिसमें मैं और आम्रपाली दोनों साथ आ सकें। अब उसके लिए सबसे पहले एक गाना चाहिए खूबसूरत सा, और हम दोनों प्रोफेशनल सिंगर तो हैं नहीं, तो मैंने सोचा कि किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ। तो अमिताभ नारायण एक सिंगर हैं, इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे, प्लेबैक सिंगर भी हैं, फिल्मों में गाते हैं। तो
तो मैंने उन्हें फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई गाना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक गाना है, कपल सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत है, आप एक बारी सुन लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको यूज करिए। तो हमने सुना, गाना बहुत ही खूबसूरत है, तो फिर मैंने आम्रपाली से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम लोग करते हैं। तो अब हुआ कि अब ये गाना तो मिल गया, अब इस पे हम लोग जो है शूट करेंगे, घर के अंदर शूट करना है, घर के बाहर आप कदम नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल। तो हमने अपने घर के खूबसूरत कोनों को ढूंढा कि किस किस कोने में कहाँ कहाँ पर हम लोग फ्रेम बना सकते हैं, जो भी लिमिटेड नॉलेज है हमारे पास, ये इतने टाइम से काम करते हुए टेलीविजन और फिल्मों में हमको भी थोड़ी बहुत तो समझ हो ही गई है फ्रेम्स को लेकर के। तो हमने उस हिसाब से, मैंने और आम्रपाली ने फ्रेम्स डिसाइड किए। फिर अब वो कैमरा कौन हैंडल करेगा, तो हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प है अशोक जो खाना बनाते हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं करूंगा। और जब जब शूटिंग स्टार्ट हो गई और उनको करना पड़ा तब उन्हें पता चला, उन अशोक की समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये एक ही लाइन को इन लोग बार बार क्यों कर रहे हैं। वो फ्रेम बनाते थे ऐसे, क्या चाहिए फ्रेम बनाए, तो हम लोग बोलते थे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मतलब कहाँ दिख रहा है, तो हम लोग अरे दीवार दिख रही है, वो कहाँ दिख रहा है। तो फिर उसके बाद हमको लाइट्स चाहिए थी, तो लाइट्स तो घर में प्रोफेशनल लाइट्स कहाँ से आएंगी, तो हमने अपने लैंप के बल्ब्स और ये सब निकाल करके, जो हमारे पास कुछ हैंड टॉवल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, उनके साथ जो है लाइटिंग की। अब एडिटर की जरूरत थी, क्योंकि हम तो जो भी शूट करें जब तक एक एडिटर अच्छे नहीं मिलेंगे तब तक क्या हो सकता है। तो अवध नारायण सिंह जी मेरे शोज के, बहुत सारे शोज के एडिटर रहे हैं, और मेरा बहुत ही उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है ओवर द इयर्स। तो मैंने उन्हें फोन किया और उन्होंने बहुत ही ग्रेशियसली एक कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं घर ही पे कर दूंगा, मैं लैपटॉप पे हो जाएगा। तो उन्होंने एडिट कर दिया। अब एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर की भी जरूरत थी, तो चिराग जावेरी जो यारियां फिल्म के कोरियोग्राफर हैं, उनसे हमारा संपर्क रहा है सालों से, उन्होंने हमारे साथ काम भी किया है, या रादर ऐसा कहें कि हमने उनके साथ काम किया है। तो उन्होंने कहा मैं कोरियोग्राफ कर दूंगा, और उन्होंने अपने घर से अपनी वाइफ के साथ मिलके मूवमेंट्स बनाए, हमको भेजा, हमने उनको जो है रिहर्स किया अपने तरीके से, एंड बेस्ट पॉसिबल वे में जितना हो सकता था हमने इस गाने को बना लिया है, गाना बन चुका है। एंड आपके माध्यम से बता देता हूँ कि फ्राइडे को गाना आ रहा है, एंड अभी हाँ, एंड आज वो डेट के साथ टीजर, एक दूसरा टीजर भी रिलीज हो जाएगा जिसमें ये डेट लिखा है, लिखी हुई है 29th May, दैट इज फ्राइडे। ग्रेट, कितना मजा है इस तरह से ना घर पे लिमिटेड चीजों के साथ, लिमिटेड मतलब कंडीशंस के साथ शूट करना, कितना मजा है आपको आम्रपाली, कितना मजा है। आपसे बात करते करते मुझे अभी सडनली ये ख्याल आया कि मैं वो टॉवल जरूर एक फोटो क्लिक करके, उस टॉवल का जो हम हमेशा अपने बल्ब के ऊपर डालते थे येलो टॉवल है, वो जल चुका है अब, इतनी देर तक उसको बल्ब के साथ पड़ा रहने देना पड़ता था शॉट के लिए, तो वो अब जल चुका है बीच बीच से। तो मैंने सोचा है कि इसका एक फोटो खींच के मैं डालूंगी, पोस्ट करूंगी कि यही वो टॉवल है जिसने हमारा साथ दिया है तेरी विद्या में। तो लेकिन बहुत मजा आया कि इतना कुछ था नहीं करने के लिए, हम लोग को जैसे समझ आ रहा था हमने वैसे किया। लकली जो हमारा बेडरूम है वो बड़ा अच्छे से है, बिकॉज जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए और हमको अपना बेडरूम करना था, तो हम लोग का था कि वाइट रखेंगे सब कुछ, सब वाइट रहे, उसमें कुछ लाइट्स लगा दिए हमने, तो शायद आज इस दिन के लिए वो इस तरीके से था कि हमारा बहुत सारा काम वहां पर हो गया है। तो इसी वजह से, लेकिन बहुत मजा आया, बिकॉज क्या हो रहा था कि हमको कबीर को भी देखना पड़ रहा था, तो एक बार तो हमने शूटिंग करी विदाउट कबीर, उसके सोने के बाद, तो बहुत रात हो गई, हमने स्टार्ट ही किया 12:30 बजे और तो 2:30-3 बज गया, और उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम ऐसी शॉट चेक कर रहे थे तो कबीर ने देखा, बोला कि अरे मम्मा आपने विदाउट मी कर लिया, तो हमने बोला कि तुम यू विल शूट विद अस, ही सेड कि ये आया, मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करोगे, ही सेड कि नो नो आई विल नॉट डिस्टर्ब। तो नेक्स्ट डे फिर वो आराम से वो अपना बैठ जाता था, अपना लेगो खेलता था, अपने टीवी देखता था और हम शूट करते थे, तो उससे हमें एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया लकली। तो ये सब चीजें होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से हो गया, हमको थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, हो सकता है लोग एक जो जिस तरह जितना सॉन्ग हमने किया है वो अगर प्रोफेशनल तरीके से करते तो शायद 2 दिन में खत्म हो जाता या 1 दिन में बहुत बारी खत्म हो जाता है। हम लोग ने एवरी डे चार या पांच दिन हमने शूट किया, लेकिन वही जो आम्रपाली बता रही थी, ये सारे इंटरेस्टिंग चैलेंजेस थे हमारे सामने, जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे बेटे का टाइमिंग।
कितनी एक्साइटमेंट है अभी, यू नो, इतने मेहनत करके, इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट करके, लिमिटेड कंडीशंस के साथ चीजों के सामने शूट किए हैं, अब एक्साइटमेंट कितनी है उस काम को देखने के लिए ऑन स्क्रीन. मैं बस चाहती हूँ कि ये जल्दी से आ जाए और मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स उसको देखे और वो इतना हिट हो जाए कि बस लोगों को लगे बस तेरी बिंदिया. तो मेरा तो ये है, अब जब ये लॉन्च होगा आई डोंट नो लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन हमने बड़ी मेहनत से और बहुत प्यार से बनाया है तो शायद लोगों को अच्छा ही लगेगा. वी होप एंड प्रे कि सबको अच्छा लगे. बिल्कुल, उस टीजर में भी प्यार झलक रहा है आप दोनों के बीच का. जब हमने वो टीजर देखा, वो फ्रेमिंग देखी, जब पोस्टर देखा तो नच बलिए 6 सीजन की याद आई आपको उस समय देख के. और हाल ही में आपने भी शायद एक कैलेंडर जो फोटो थी वो सोशल मीडिया पे शेयर की, जिसमें उसी पोज में नच बलिए का लोगो भी था. तो उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे, नच बलिए का भी हिस्सा रहे आप दोनों ये जोड़ी, क्या कहेंगे? करेक्ट. तो हम लोग क्या है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटी है नच बलिए और इसमें हमारे इस वीडियो में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ. सिमिलैरिटी है कि नच बलिए के टाइम पे मैं और आम्रपाली ऐसे लड़ते थे जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स, इस तरीके से लड़ते थे. क्योंकि क्या था कि ये ट्रेंड कथक डांसर हैं और मैं आई हैव गॉट 2 लेफ्ट फीट, ठीक है, तो बस मुझे अगर कोरियोग्राफर सिखाए तो मैं मैनेज कर लेता हूँ किसी तरीके से. तो आप सोचिए, एक नॉन डांसर और एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड. उसमें होता क्या था कि मेरा कबूल है शो चल रहा था और मैं रात को अपने पैकअप के बाद आती थी 10 बजे और यस रिहर्सल कर रहे होते थे 4 बजे से लेके टिल 10 ओ'क्लॉक रिहर्सल कर रहे होते. और मैं 10 बजे आई, मैंने सीखा, उसके बाद मैंने बोला ये वाला स्टेप थोड़ा ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, और कोरियोग्राफर ने बोला हाँ चेंज कर देते हैं. आपको लगता था कि अरे भैया 4 बजे से मैं ये सीख रहा था, अभी तुम आगे ये स्टेप चेंज कर देते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है. तो सेम चीज अभी जब ये हम लोग म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, अपने घर पे शूट कर रहे थे, तो वापस से वो यादें ताजा हो गई. क्योंकि क्या है कि मैं थोड़ा क्या बोलते हैं ना, सीरियसली मतलब थोड़ा उसके जोन में जा करके वैसा एक्टर हूँ. आम्रपाली है कि इनको आप सोफे से उठा देंगे और कहेंगे अच्छा ये शॉट देना है, वो दे देंगे फटाक से. तो अब और ऊपर